हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सूट का बाजू का डिज़ाइन बताऊंगी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देर ना कर दो, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करती हूँ। और हाँ, इससे पहले कि जो भी अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो हमारे वीडियो पूरे देखें, ताकि ना पेपर पेस्टिंग का बता रहा है, कोई बुकरम कोई पेस्टिंग नहीं। यहाँ पे देखिए पट्टी लिए हैं, जो हमारा बाजू में दोनों तरफ लगेगा। तो ये जो हमारा जो पट्टी है, तो जितना हमारा यहाँ पे बाजू की लंबाई है, उतना ही लंबाई लेना है। और जो इसका चौड़ाई है, जो एक इंच इस तरह से हमारा होगा। और पहले क्या करना है दोस्तों, देखिए हम कपड़ा लेंगे और कपड़ा को पहले हम इस तरह से पहले बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमको एक लंबा सा बना लेना है। उसके बाद बताते हैं इसका जो लंबाई है, जितना हमारा बाजू का लंबाई है उतना ही है। और यह देखिए जो हमारा डोरी है, तो डोरी को ऑलरेडी पहले से हम यहाँ पे पलट रखे हैं। दोनों बाजू का दो एक लंबा सा डोरी है। पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इस तरह से देखिए, जो लुप्पी हम तैयार किए हैं, 2 इंच इसका हम लेंथ लिए हैं। तो ये जो हम लुप्पी जो तैयार किए हैं, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो हमारा डिजाइन है, और लुप्पी और डोरी के सहायता से बनेगा, कोई पेस्टिंग कोई बकरम नहीं, और बिल्कुल ही सिंपल और इजी है। तो सबसे पहले देखिए, हम दोनों को इस तरह से एक बराबर में रख लेना है। और रखने के बाद यहाँ पे देखिए, इस तरह से कट का निशान लगा देना है, और यहाँ पे भी कट का निशान लगा देना है, ठीक है, ताकि हमको यहाँ पे कटिंग करने में आराम हो। और इसको दोनों को हम एक बराबर में एक साथ में रख दिए हैं, और इसको यहाँ से बीच से इसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो इसको कट करके हमको ओपन कर देना है, और इस तरह से देखिए हम बिल्कुल हमारा बराबर है। और इसको हम इस तरह से दोनों को बिल्कुल बराबर में कट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम जो हमारा जो बाजू है, तो ये हमारा सीधा बाजू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा सीधा किधर है, उल्टा किधर है। जिधर हमारा लाइट ज़्यादा रहेगा वो हमारा सीधा कपड़ा होगा, और जिधर लाइट कम होगा वो हमारा उल्टा कपड़ा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहले कपड़ा को ध्यान में रखते हुए हमको बनाना है डिज़ाइन। तो चलिए, सबसे पहले दोनों को इस तरह से एक बराबर में हमें रख लेना है। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से 1 इंच यहाँ से हमको छोड़ना है, क्योंकि आगे का जो हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे 1 इंच हमको इस तरह से छोड़ना है, ठीक है। 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। और उसके बाद देखिए, इस तरह से देखिए, हम 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, फिर 2.5 इंच पे लगाएंगे। हर एक 2.5 इंच पे हम निशान हमको लगाना है। चाहे तो आप 2 इंच भी लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नज़दीक नज़दीक लगाना है तो। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2.5 इंच लगा रहे हैं, और फिर यहाँ पे 2.5 पे लगा देंगे, और यहाँ पे हमको फिर 2.5 पे लगा देना है, ठीक है। और ऊपर से भी इतना हमको छोड़ देना है, ताकि हमारा सिलाई में जाएगा, यहाँ पे भी हमारा सिलाई में जाएगा। और इस जो निशान है, इसको इस तरह से हम लंबा कर लेना है, हर जगह इस तरह से हमको लंबा कर लेना है, देखिए इस तरह से। और थोड़ा गहरा कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमको लगाना है। तो इसको हम इस पर रखेंगे, तो हमारा जो लाइनिंग है, तो अच्छी तरह से वहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, हर एक जगह हम इस तरह से कर देना है। अब इस तरह से हमको दोनों को पकड़ लेना है, ठीक है, एक बराबर में दोनों को हमको पकड़ लेना है, और इस पे रख देना है। रखने के बाद दोनों को बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, और इसको फिर हम इस तरह से करते जाना है। देखिए इस तरह से कर देंगे, ताकि दोनों तरफ हमारा जो निशान है, जो अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, हम दोस्तों कर लिए हैं। और करने के बाद देखिए, हमारा जो निशान है, इधर भी आ गया है। अब इस निशान को भी हमें गहरा कर लेना है, ठीक है। तो इस निशान को भी हम इस तरह से गहरा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ताकि जो जब हम दोनों तरफ जब हम डिज़ाइन लगाएं, तो हमारा बिल्कुल बराबर में आए। तो इस तरह से देखिए, हम दोनों तरफ कर लिए हैं।
और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चाहे तो हम नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो फिर हम ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जिधर से हमें सुविधा लगे उधर से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी को हम इस तरह से रख देना है, हमें बिल्कुल बराबर में रखना है। और बराबर में रखने के बाद एक लुप्पी को लेना है, इसको इस तरह से हमें कर देना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से रखना है बिल्कुल एक बराबर में, और यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम सिलाई कर लेते हैं, करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लुप्पी डाल लिए बिल्कुल निशान पे, और फिर सेकेंड बार हम इसी तरह से करेंगे सेम जैसे हम फर्स्ट बार में किए। तो यहाँ पे भी हमको इस तरह से बिल्कुल निशान पे रख देना है और यहाँ से चला देना है सारे निशान पे। इसी तरह से हमको लुप्पी को रख देना है, जितना भी निशान है टोटल पे इसी तरह से हमें लुप्पी को रख देना है और एक सीधा सिलाई लगा देना है। तो चलिए हम इसी तरह से करते हैं। पर भी हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। अब ऊपर से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारा लुप्पी है यहाँ पे मजबूत हो जाए जब हम इसमें डोरी डालेंगे और इसको हम टाइट करके अगर इसको हम बांधते हैं तो हमारा कवर है ना, इसके लिए ऊपर से एक सिलाई हम लगा देंगे और बिल्कुल दोनों हमारा एक बराबर में। अब चलिए आगे हम इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा कपड़ा को हमको इस तरह से लेना है, इस तरह से थोड़ा सा लेना है, फिर थोड़ा सा लेना है और इस तरह से हमको फोल्ड कर देना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हम यहाँ पे धागा को कट करेंगे। और अब देखिए दोनों को यहाँ पे इस तरह से हमें एक बराबर में रखना है और जो हमारा डोरी है तो इसको हमको लेना है। और यहाँ पे देखिए हमको ऊपर से शोल्डर के पास जो हमारा बाजू है तो ऊपर से यहाँ पे हम लगाना शुरू करेंगे। तो इसको हम सुई के सहायता से या तो फिर इसको हम पिन के सहायता से इसको हम घुसाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम सुई के सहायता से इसको हम पहले इसको हम इस तरह से यहाँ पे डालेंगे ताकि जो यहाँ पे लुप्पी हमारा छोटा है तो यहाँ पे हमको इस तरह से सुई से डालना होगा। और उसके बाद अब यहाँ पे हमको इस तरह से डालना है। यहाँ पे देखिए हम इस तरह से लगाए हैं और अब इधर का इधर और इधर का इधर इस साइड से हमको लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हम डालते हैं। और इसको हम इधर से डालेंगे तो यहाँ पे भी हम एक पिन इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से देखिए पिन के सहायता से इसको हम डालेंगे। एक तरफ हम सुई ले लिए, एक तरफ हम पिन ले लिए हैं और दोनों को हमको इस तरह से करना है, ठीक। एक इधर से लेना है, फिर एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है, इधर से लेना है। इस तरह से पहले हम डोरी को डाल लेंगे। इधर से हम डोरी को डाल दिए हैं और अब यहाँ पे हम कपड़ा का लटकन डालेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़ा ले लिए देखिए इस तरह से और इसमें से हम कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सूट का जो कपड़ा था तो इसमें से हम कट करेंगे। इस तरह से हम चौखा में निकाल लेंगे, डोरी डालेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से एक बराबर में हम कट कर लेना है हमें।
और देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसको लटकन डालेंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चाहे तो इसको हम यहाँ पे टाइट कर सकते हैं या तो फिर इस तरह से हम लूज छोड़ सकते हैं। और इस तरह से अगर हम बाजू बनाते हैं दोस्तों तो इसमें एक खासियत है कि अगर यहाँ पे अगर आप टाइट करके भी सिलाई कर देते हैं तो आप यहाँ से आप लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बाजू है तो यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही कम समय में बना है। और ये जो हमारा डिज़ाइन है बिना बुकरम बिना पेस्टिंग का बना है और 4 से 5 मिनट के अंदर में ये जो डिज़ाइन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से और भी वीडियो की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में।